Now we have uniform circular motion. We come across many things in our daily life that are moving along circular path. So हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें देखते हैं जो गोल दायरे में मूव कर रही होती है, सर्कुलर पाथ, सर्कुलर ट्रैक में चल रही होती है. टेक अ स्मॉल स्टोन, एक पत्थर लें, टाई इट, उसे बांधें एट वन एंड ऑफ ए स्ट्रिंग एंड कीप द अदर एंड ऑफ ए स्ट्रिंग इन योर हैंड. तो एक पत्थर लें, उसे रस्सी के एक हिस्से में बांधें और रस्सी का दूसरा हिस्सा अपने हाथ में रखें. सर्कुलर मोशन ऑफ ए स्टोन अटैच विद ए स्ट्रिंग, जो आपने पत्थर को रस्सी के साथ बांधा है और दूसरे रस्सी के दूसरे हिस्से को अपने हाथ में लिया, उसे इस अंदाज से घुमाएं. नाउ रोटेट द स्टोन होल्डिंग द स्ट्रिंग, और स्टोन को रोटेट करवाना शुरू करें अपने हाथ से. द स्टोन विल मूव इन ए सर्कुलर पाथ, तो स्टोन जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देगा. द मोशन ऑफ ए स्टोन will be called a circular motion. तो जो ये motion होगी इसे क्या कहेंगे, circular motion. Similarly motion of a moon around the earth is circular motion. जो चांद की motion है, चांद की गर्दिश है, वो circular है हमारे पास. और किसी गर्दिश है हमारे पास circular होती है. साइकिल के टायर भी गोल होते हैं, वो भी टायर मतलब गोल दायरे में ही घूम रहे होते हैं. बहुत सी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हैं जो गोल ट्रैक में घूम रही होती हैं. द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए सर्कुलर पाथ इज नाउन एज सर्कुलर मोशन. जितनी भी चीज़ें सर्कुलर ट्रैक, सर्कुलर मोशन दायरे में मूव करेंगी, वो क्या कहेंगी हमारे पास, सर्कुलर मोशन कहलाएंगी. ये चांद और ये ज़मीन की मोशन, सर्कुलर मोशन ऑफ मून मूविंग अराउंड द अर्थ. तो जो हमारा चांद ज़मीन के गिर्द घूम रहा है, वो भी गोल दायरे में घूम रहा है, वो भी हमारे पास क्या होगी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन.